स्वामी विवेकानंद फरीबाजा खोकर घूम रहे थे। एक जगह उनके मन में असंतोष आ गया। उसने सोचा, मैं जिस उद्देश्य से संन्यास लिया हूँ वो उद्देश्य मेरा पूरा नहीं हो रहा है, तो इस शरीर को अनाहार और तपस्या करके छोड़ देना अच्छा है। ऐसा सोचकर वन में जंगल में घूम रहे थे। जंगल बहुत लंबा था, दिन भर उनको भोजन नहीं मिला था। स्वामी जी शाम के समय थक कर एक पेड़ के नीचे में सो गए, विश्राम कर रहे थे। ठीक उसी समय एक शेर स्वामी जी की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है। स्वामी जी ने मन ही मन सोचा, चलो इस जीवन में मैं कुछ कल्याण नहीं कर पाया, मैं भी भूखा हूँ, शेर भी भूखा है, कम से कम मैं शेर का भूख मिटा सकता हूँ, शेर मुझे खाने से उनका भूख मिट जाएगा। ऐसा स्वामी जी वहाँ पे लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, पर शेर कुछ क्षण देखने के बाद वह वहाँ से चला गया। तो स्वामी जी ने कहा, देखो स्वामी जी ऐसे महापुरुष है, शेर के अंदर भी वही आत्मा है। स्वामी जी ने क्या एक से दूसरे शेर को खाएगा? स्वामी जी भी तो दूसरा शेर है, पर स्वामी जी ने देखो शेर से सामना किया, शेर से के साथ आँख में आँख मिलाया और सोच ही रहा था, पर शेर वहाँ से चला गया। ये स्वामी जी का शेर के साथ सामना ही हुआ। स्वामी जी भी शेर, तो शेर से सवा शेर हो गए स्वामी जी, और शेर 9-2-11 हो गया, दुम दबाकर भाग गया। जय स्वामी विवेकानंद।